सेक्टर 5। तो ये है बाहर का नज़ारा एंड हम पहुंच गए अंदर एंड मौसम देख सकते हो कितना खराब हो रहा है। इन दोनों बच्चे में मेरी स्लिप। सो हे गाइस, फाइनली हम पहुंच गए। हमने लिए टिकट, जो कि हमने लिए 20 रुपए की टिकट लिए। बिना टिकट दिखाए हम अंदर नहीं जा सकते। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं। तो से भाई ऑल ऑफ यू सो एंड देख सकते हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा कम है कि कोई नहीं है। मतलब इतने खास गई तो इतनी ज़्यादा भीड़ लगी नहीं है। अभी तो 5 बजे और पता शायद बाद में भीड़ हो जाए। हे गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब आई हो? आपसे देख चुकी। सो गाइज, अभी मैं आई हूँ, कहाँ आई हूँ वो तो आपको देखी जाएगा वीडियो में, लेकिन अभी टाइम हो चुका है, 5:30 बज चुके हैं। तो अभी तो मैं जहाँ आई हूँ यहाँ पे कोई नहीं आया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आई हूँ अपने भाई के साथ जो कि खा रहा है आइसक्रीम। तो सो गाइज, फिर मैं एक बार मैं देख रही थी चारों क्या है क्या नहीं। पहले सारे उसमें घूम के देख रहे थे कि कुछ है या नहीं, कुछ खास मज़े वाली बात है या नहीं। तो आगे जाते जाते हम ढूंढ रहे थे खाने के लिए, दिख गया डस्टबिन का डिब्बा। तो साइड में देखा तो दो छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे, लेकिन वो गलती से फिसल गए। स्लिप स्लिप मार दी उन दोनों ने। तो उसके बाद हम एक्सप्लोर कर रहे थे मेले को। ये देखो कैसे देख रहे, जैसे पता नहीं क्या चल रहा है। तो उसके बाद ली हमने आइसक्रीम, ये थी 30 की एक आइसक्रीम थी, तो हमने ली थी एक आइसक्रीम। तो इसको लेने के बाद मैंने और नवीन दोनों ने खा ली थी, क्योंकि हम सोच रहे थे कुछ और भी खाने के लिए। तो अभी तो मैं खा रही थी उसकी आइसक्रीम, थोड़ी बाद ये है झूला, बोरा झूला चालू तो हो गए। बहुत कम भीड़ थी, इतने खास मज़े नहीं आए वैसे। सारे स्टॉल खाली थे मोस्टली ये खाते हुए आइसक्रीम। तो सो हे गाइस, तो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है मेले में, क्योंकि अभी सामने हुई है तो थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़ रही है। तो गाइस, अभी मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। तो ये है 30 रुपए की आइसक्रीम जो कि मैं अभी खा रही हूँ। एंड थोड़ी देर में क्या करेंगे, क्योंकि ठंडे वगैरह तो कुछ भी चल नहीं रहे, क्योंकि खाए हैं ये वाला झूला तो बंद है, वो वाला तो बहुत कम चल रहे हैं। यार मैं आपके लिए चल लूँगी, मैं वही तो कह सकता था। वैसे सभी के साथ जाते जब भी मजे आते हैं, अकेले तो ऐसे घूम फिर के आता हूँ, कुछ मजे नहीं है। सबके साथ जाना चाहिए वैसे, तो क्या करे, कोई जाने के लिए कुछ ज्यादा ही बिजी है सारे लोग। हेलीकॉप्टर यार, मैं कुछ भी बोल रही थी, मैं कुछ नहीं सुना सकती क्योंकि पीछे गाने चल रहे थे। पता नहीं कॉपीराइट आता है नहीं, लेकिन कहते आता है, तो इस वजह से मैंने उसको वॉल्यूम को हटा दिया एंड सिंपली मैंने भी पीछे बोल दी। तो ये रहा एक गेम, वैल्यूम गेम है, निशाना लगाओ। कपड़े भी ले सकते हैं यहाँ। खाने का तो मोस्टली सारे स्टॉल था वहाँ पे, खाने की तो कोई वो नहीं है। झूले और खाने के लिए तो मस्त जगह है, मस्त 20 रुपए की टिकट लो और करो, खेलो खाओ पियो और आ जाओ। वैसे देखने पे तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था कि बारिश इतनी तेज़ आने को लग रही, जैसे अभी गिर जाएगा सारा मौसम। तो देख ही रहे हो 3-4 दिन से मौसम ख़राब भी है। तो ये झूला चालू हो गया था, झूम 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 बराबर। ओ माय गॉड, अब थोड़ा शाम का सा मौसम हो गया तो लाइटिंग अच्छे से दिख रही है। सबसे अच्छा नज़ारा यहाँ लग रहा था, क्योंकि पेड़ था ना यहाँ पे, तो इसको देख के काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। गुरु जी के बुड्ढी की मिठाई, भेलपुरी की बोल रही थी, भेलपुरी लेने जा रहे थे, भेलपुरी वाले ने मना किया नहीं। So guys, अभी मौसम काफी ज्यादा खराब है, देख सकते हैं कि बारिश होने वाली है। तो अभी तो मैं बोल भी पता नहीं, हां ले ले, ये लेगा बुड्ढी का बाल ले रहा है, ये आइसक्रीम मंगाई है मैंने अपने लिए। So guys, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, इसलिए ज्यादा भीड़ कम तो मैं आई थी इस वजह से। बारिश ना आ जाए इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, और देख सकते हैं झूले वगैरह चल तो रहे लेकिन खाली है मोस्टली सारे के सारे। और मुझे सब ऐसे देख रहे हैं क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूं, और ये ले रहा है तो आइसक्रीम ले लिया। ये है ये भी 30 रुपए की आइसक्रीम है, चॉकलेट फ्लेवर में एंड
बढ़िया था। क्या लग रहा है? सही है।